बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई एम हेयर, आई एम योर सोशल स्टडीज गेस्ट टीचर। माय नेम इज़ अक्सा अकरम। होप यू आर ऑल फाइन। इट्स 4 दिसंबर 2020 एंड फ्राइडे। वी विल कंटिन्यू विद यूनिट नंबर 4, गवर्निंग द वे वी गवर्न आवरसेल्व्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन, दिस यूनिट। Now we will continue with this unit. Today we will do book reading page number 39. Okay? We will do book reading page number 39. So open your books, page number 39. This one. The last part of page number 38 and the initial of page 39. It's not included in smart syllabus. Okay? You know, आप सबको पता है कि हम लोग स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हैं। स्मार्ट सिलेबस में हमने पहले 5 points पढ़े, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने 5 points पढ़े, सोसाइटी, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 39 पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। This one, provincial government and federal government. Let's start. If the area of the country is vast, the language, resources of production, and ways of living of its people are different. Yes, आप सबको पता है किसी भी एक कंट्री के अंदर ये नहीं होता कि सब लोग एक जैसे ही रहे। नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री के अंदर बहुत से डिफरेंट एरिया से लोग आकर भी रहते हैं, या और भी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनका रहन सहन, रस्म व रवाज, खाना पीने का तरीका, हर एक चीज़ एक दूसरे से अलहदा होती है। सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग पंजाब में हैं, हम लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाबी लोगों का इवन बात करने का तरीका अलहदा है, खाने पीने का तरीका अलहदा है, हमारी ड्रेसिंग अलहदा है। यस, जैसे बलूचिस्तान के लोग, वो उनका स्टाइल अलहदा है, उनकी ड्रेसिंग अलहदा है, वो लोग फ्रॉक्स और वो घाघरे टाइप ड्रेसिंग करते हैं, उनके लैंग्वेज उनकी हमसे डिफरेंट आ जाती है, लोकल डायलैक्ट उनका डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम लोग सिंध की बात करें, उधर की लैंग्वेज अलहदा है, सिंधी बोलते हैं वो लोग, और उधर के वो अजरक का इस्तेमाल करते हैं, टोपी और अजरक होती है उनकी। सो ये किसी भी कंट्री के अंदर जब बहुत से लोग डिफरेंट एरियाज के रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज, स्टाइल, सब कुछ डिफरेंट होता है। देयरफॉर अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रॉपरली मैनेज द डिसिप्लिन। यस, जब इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ पीपल एक जगह पर रहते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है उन सबको मैनेज करना। यस, बेसिक नीड्स तो सबकी वही होंगी, जैसे कि फूड, हेल्थ, ड्रेसिंग, हाउस, ये बेसिक तो सबके सेम होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये मुश्किल होता है कि कोई एक ही गवर्नमेंट, एक ही सिंगल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को मैनेज करे, उसमें डिसिप्लिन लाकर रखे। फिर ऐसे हालात में क्या करते हैं? इन सच सर्कमस्टांसिस वन सेंट्रल एंड सेवरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड। फिर क्या किया जाता है? वो लोग जो एक एरिया में रह रहे होते हैं, एक जगह पर होते हैं, उनको एक पार्क बना दिया जाता है। सही है? उनको एक पार्क बना दिया जाता है। एक वो गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल होती है, जो पूरे कंट्री की होती है। सही है? वो मेन डोमेन होती है, हाईएस्ट होती है। उससे नीचे फिर वो लोग जो एक जैसे रहन सहन, तरीका, लिबास, लैंग्वेज जिनकी सेम हो, वो लोगों का एक पूरा ग्रुप समझ ले कि उनका एक ग्रुप बना लिया जाता है। सही है? उसे कह देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वन मेन गवर्नमेंट, वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यू नो दैट।
हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है, उसे वो हेड ऑफ स्टेट है, पूरे कंट्री को हेड करती है। उसके अलावा हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, उसके अंदर मेन गवर्नमेंट कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा KPK। इन 4 प्रोविंसेस की अलहदा अलहदा भी गवर्नमेंट है, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट। ओके, तो एक मेन गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को ऑल ओवर देखती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो अपने अपने प्रोविंस को देखती हैं। ओके, सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरेशन। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर है वन मेन गवर्नमेंट हो, वन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, उसे कहते हैं फेडरेशन। पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेडरल सिस्टम या फेडरेशन। इन पाकिस्तान देयर इज अ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडरलाइन कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है, देयर इज अ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज वन फेडरल एंड 4 प्रोविंशनल गवर्नमेंट। यस, अभी आप लोगों को बताया है वन फेडरल गवर्नमेंट है जो कि मेन हमारे कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल है, उसमें वो सारे लोग उधर इकट्ठे होते हैं, उधर काम करते हैं, वो मेन है। 4 प्रोविंशियल हैं, वो अपने प्रोविंस का जो कैपिटल है उधर काम करते हैं। जैसे कि पंजाब का कैपिटल सिटी कौन सा है, पंजाब का कैपिटल सिटी है लाहौर। तो प्रोविंशियल के जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो प्रोविंशियल सिटी में आते हैं, उधर काम करते हैं, सेटअप देखते हैं, उसका कैपिटल होता है। जो मेन गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे कंट्री की होती है, और उसके सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उसके कैपिटल, जो पूरे कंट्री का कैपिटल होता है, उसमें आकर बैठते हैं, उधर काम करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 गवर्निंग पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फेडरल एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों को ये बात पहले बताई थी, पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स हैं। ओके, आई होप यू हैव यू अंडरस्टूड, इट्स क्लियर नाउ। नाउ योर होम टास्क इज, योर होमवर्क इज, इट्स योर होमवर्क नॉट होम टास्क, इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डन दिस ऑन योर कॉपीज। आपने अपनी कॉपीज पर ये वाला काम करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमने रिकव किया अभी तक, उसी में से ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं, आपने ये करनी है। नंबर वन इज द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज डैश इंस्टीट्यूशंस। यस, एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो, हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के कितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 3। नंबर टू इज द लेजिस्लेचर फ्रेम्स, यस, व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉज, ये भी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश इज इन्फोर्स इन पाकिस्तान। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में, हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, प्रॉपरली पेज प्रिपेयर कर कर डे एंड डे लगाएं, यूनिट नंबर, यूनिट नेम, देन यू हैव दीज, यू हैव डन दीज, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ लेट्स वॉच अ वीडियो रिलेटेड टू और दिस लेसन। Are groups of people given responsibility for looking after various aspects of our lives and the community. Governments are formed through fair and democratic elections. Voters choose which person they wish to represent them at all levels. Voting is compulsory for people over the age of 18. In Australia, there are 3 levels of government. The federal government looks after the whole of Australia. Their responsibilities include defence, telecommunications, postal services and immigration.
The state governments look after individual states and territories. Victoria's state government looks after services such as education, health, water supply, police and transport. Local government, such as the city of Greater Dandenong, looks after specific areas within each state. Each local government area varies in size and population. These organisations, known as councils, look after services such as waste, leisure centres, parks and gardens, pet registrations and more. In local government, an independent group of people called councillors work with and for their local community to make decisions on how the local area is managed and how resources are used. The community votes for the councillors to represent them at elections, which are held every 4 years. The city of Greater Dandenong has 11 elected councillors. These councillors represent the community across four wards: Silverleaf Ward, Paperbark Ward, Red Gum Ward and Lightwood Ward. Every year, one Greater Dandenong councillor is voted by the others to become mayor. The mayor is the spokesperson for council and they help the councillors make fair and good decisions. The councillors and mayor appoint a chief executive officer to ensure that council decisions and services are implemented. If you would like to know more, visit Greater. Now, your home task is book reading, page number 39. Okay, अभी जो मैंने आपको reading कराई है, your reading again, page number 39. जो fill in the blanks थी, वो आपका homework है, वो आपने copy पर करना है. And this is your home task. And this is your reading, page number 39. Okay, students, Allah Hafiz.